श्री गणेशाय नमः, ओम गुरुदेवाय नमः। जिन जिन का तुम शोषण करते हो उनके प्रति तुम्हारी मैत्री धोखा है। तुम वस्तुतः शत्रु हो। सब तरफ शोषण चलता है, सब संबंधों के नाम पर शोषण चलता है। तुम प्रेम भी करते हो तो भी शोषण है। तुम प्रेम इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा दूसरा मूल्यवान है। उपनिषदों ने कहा है कि कोई पति पत्नी को इसलिए प्रेम नहीं करती है कि पत्नी मूल्यवान है। पति पत्नी को इसलिए प्रेम करता है कि उसका स्वार्थ है, उसका सुख है। पत्नी से सुख मिलता है इसलिए प्रेम करता है, और जिस दिन सुख नहीं मिलेगा उसी दिन प्रेम समाप्त हो जाएगा। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारे संबंध, तुम्हारी मित्रता सब सीढ़ियां हैं, और दूसरे का साधन की तरह उपयोग करना अनिति अगर है तो इस जगत में नैतिक व्यक्ति खोजना बहुत ही मुश्किल है। तो तुम्हारा उपयोग न कर रहा हो, जो भी तुम्हारी आंख पर चढ़ा हो नशा, धन का, पद का, प्रतिष्ठा का, अहंकार का, बस हम उसी से देखते हैं। सारी दुनिया हमें उसी रंग में रंगी हुई दिखाई पड़ती है, और सत्य हमें तब तक दिखाई नहीं पड़ सकता जब तक कोई भी चश्मा तुम्हारी आंख पर है। इसलिए ज्ञानी पुरुषों ने कहा है, जब तक तुम्हारी वासना है तब तक तुम सत्य को न देख सकोगे, क्योंकि तुम रंगोगे, तुम्हारी वासना रंग देगी। संस्कृत में जो शब्द है वासना के लिए, वह बहुत बहुमूल्य है। वह है राग, और राग का एक अर्थ रंग भी होता है। जब तक तुम्हारे मन में राग है तब तक तुम्हारी आंखों में रंग है। वैराग्य तो उसी का फलित होगा जिसकी आंखों के सब रंग खो जाएं। विराग का अर्थ है रंगहीन, रंग शून्य दृष्टि। जब तक तुम्हारी आंख में कोई भी वासना है वही तुम्हारी आंख का रंग है, तुम उसी से देख रहे हो। तुमने कभी ख्याल किया, अगर तुमने उपवास किया हो और तुम बाजार से निकलो, उस दिन तुम्हें रेस्टोरेंट, होटल, भोजन की मिठाई की दुकानें अतिरेक से दिखाई पड़ेंगी। वे सदा से वहां थी, लेकिन रोज तुम भर पेट निकलते थे। तब तुमने कभी उन पर ध्यान ही नहीं दिया, उनको चुना नहीं था। आज वे तुम्हें अतिरेक से दिखाई पड़ेंगी, उसकी मात्रा बहुत ज्यादा मालूम पड़ेगी। बीच की और दुकानें खो जाएंगी, जूते की दुकानें, कपड़े की दुकानें, वे सब बीच में खो जाएंगी। सारा बाजार ऐसा लगेगा कि मिष्ठान का है, क्योंकि तुम उपवास से हो, तुम्हारी आंखों पर भोजन का रंग है। ब्रह्मचारी निकले रास्ते से तो उसे पुरुष नहीं दिखाई पड़ते, सिर्फ स्त्रियां दिखाई पड़ती हैं। उसकी आंखों का एक रंग है। तुम जो भी आंख में लिए हो वही रंग तुम्हारे चारों तरफ प्रोजेक्ट होता है। इसमें हमने माया कहा है, इसको हमने माया कहा है। तथ्य को रंग कर देखना माया है, तथ्य को तथ्य के तरह देख लेना ब्रह्म है। तब तुम बाजार से गुजरते हो, तुम्हारी आंखें खाली हैं, तब तुम चुनते नहीं, तब तो जो है वह तुम्हें दिखाई पड़ता है। तब तुम जगत में कुछ डालते नहीं, तुम सिर्फ साक्षी होते हो। ये तीनों मजदूर रागी हैं, और अगर राग ही चुनना हो तो तीसरे मजदूर का चुनना। अगर राग में ही पढ़ना हो तो धार्मिक व्यक्ति का राग पढ़ने जैसा है। अगर बीमारी ही चुननी हो तो धार्मिक आदमी की बीमारी सबसे बेहतर है। अगर कहीं जाना ही हो तो मंदिर की तरफ जाना, कम से कम गुनगुनाओगे तो, कम से कम प्रफुल्लित तो दिखोगे, प्रफुल्लित तो हो जाओगे। वह भी भ्रम है, वास्तविक नहीं है। लेकिन सपना ही देखना हो तो अच्छा देखना, बुरा क्या देखना। सपना ही देखना हो तो भिखारी का क्या देखना, सम्राट का देखना। लेकिन सपने भी तुम्हारे हाथ में तो नहीं है, तुम अपना सपना भी तो नहीं बदल सकते। तुम लाख उपाय करो कि सम्राट होने का सपना देखूं, इससे क्या फर्क पड़ता है। सपने पर तुम्हारा कोई काबू नहीं है, सपने पर
काबू तो उसका होता है जिसका वासना पर काबू होता है, तब वह अपने सपनों का मालिक होता है। वह कोई सपना नहीं देखता है, वह सपना देखेगा ही क्यों, क्योंकि वह जानता है कि सपने में सम्राट होना उतना ही फिजूल है जितना सपने में भिखारी होना। मंदिर के सामने बैठकर पत्थर तोड़ना है तो दुखी होना भी व्यर्थ है, उदास होना भी व्यर्थ है, प्रफुल्लित होना भी व्यर्थ है। तथ्य न तो उदास करता है, न दुखी करता है, न प्रफुल्लित करता है। तथ्य केवल शांत कर सकता है, और शांत बड़ी अलग दशा है, वह अनुचेतना की स्थिति है। तुम ठीक संतुलित हो, न तुम यहाँ झुके हो इस तरफ दुख उदासी, न झुके हो उस तरफ प्रफुल्लित सुख में, तब तुम झुके ही नहीं हो, तुम बीच में खड़े हो, तुम सम्मिलित हो। इसको गीता में स्थिति प्रज्ञा कहा है। तब तुम्हारी चेतना ऐसी स्थिर हो गई है जैसे किसी भवन में जहाँ हवा का झोंका न आता हो, कोई दिया स्थिर हो जाए, दिए की ज्योति निष्कंप हो जाए। वह चौथा आदमी इस कहानी में नहीं है, उसे मैं जोड़ देता हूँ, लेकिन अगर चौथा तुम्हारी समझ में न आए तो तुम तीसरे को चुनना। अगर तीसरा तुम्हें बड़ी मुश्किल पड़े तो दूसरे को चुनना, और पहले को तो चुनने का सवाल ही नहीं है, वह तो तुम हो ही। तुम्हारा जीवन एक क्रोध है, एक आक्रमण है, हिंसा है। ऐसा नहीं है कि तुम कभी कभी क्रुद्ध होते हो, तुम क्रोध में हो, उठते हो, बैठते हो, चलते हो, लेकिन तुम क्रुद्ध हो। तुम सारे जीवन के प्रति क्रोध से भरे हो, प्रतिशोध से भरे हो, जैसा कोई बदला लेना है, जैसे कि तुम पैदा हुए। यह तुम पर बड़ा अन्याय हो गया, तुम शिकायत से भरे हुए हो।